आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। द मोशन ऑफ अ मास ऑन अ स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट के इज एज शोन इन फिगर। इस क्वेश्चन में एक मास है जो कि स्प्रिंग से अटैच्ड है और उसका मोशन हमें शो कर रखा है। ये ऐसे इसकी ये एक्स डिस्प्लेसमेंट पे ये हमें ऐसे ये शो कर रखा है इसका मोशन, और हमें इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन गिवन है। द इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। ये हमें इक्वेशन ऑफ मोशन गिवन है एंड ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाय एम। तो अब हमें पता रखा है कि पूछा है सपोज दैट एट टाइम टी इक्वल टू जीरो द पोजिशन ऑफ मास इज एक्स जीरो एंड वेलोसिटी इज वी जीरो, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज एक्स टी इक्वल टू सी ओमेगा टी माइनस फाइव वेयर सी एंड फाइव आर। तो अगर हम सी ये टी इक्वल टू जीरो पर डिस्प्लेसमेंट को एक्स जीरो बोले और वेलोसिटी को वी जीरो बोले, तो उसकी फॉर्म में हमें ये सी और फाइव की वैल्यूज निकालनी है। ये ऑप्शंस में हमें उन्हीं की फॉर्म में ये सी और फाइव की वैल्यूज निकालनी है। अगर हम इसी इक्वेशन को, ये डिस्प्लेसमेंट की वाली इक्वेशन है, इसको इस फॉर्म में लिख दें तो हमें ये बताना होगा सी और फाइव की वैल्यूज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन क्या गिवन है, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन गिवन है एक्स टी इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। अब वेलोसिटी हमें पता है क्या होती है, डिफरेंशियल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो फिर इसको डिफरेंशिएट करके हमें क्या मिलेगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये मिल गया हमें। अब यहाँ से हम एक्स जीरो और वी जीरो निकाल सकते हैं, तो टी इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स जीरो आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा ए इंटू साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा जीरो, ये साइन जीरो जीरो हो गया और कॉस जीरो क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, तो ये बी आ जाएगा। तो एक्स जीरो की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास बी आ गई। ऐसे वी टी की इक्वेशन में हम टी इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा वी जीरो आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए ओमेगा इंटू वन, कॉस जीरो वन हो जाएगा, साइन जीरो जीरो हो जाएगा, बी ओमेगा इंटू जीरो। तो वी जीरो हमें यहाँ से मिल जाएगा इक्वल्स टू ए इंटू ओमेगा, ये हमारे पास वी जीरो आ गया। तो यहाँ से ये इक्वेशन, दो इक्वेशन हो गई हमारे पास फर्स्ट और सेकंड। अब हमने कैसे लिखा है एक्स टी को, एक्स टी को हमने कुछ इस तरह लिखा है एक्स टी इक्वल्स टू सी कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव। अब यहाँ से अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास वेलोसिटी की एक्सप्रेशन बन जाएगी माइनस सी ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये हमारे पास वी टी की एक्सप्रेशन बन गई। अब यहाँ से हम एक्स जीरो और वी जीरो निकाल लेते हैं, यहाँ से एक्स जीरो और वी जीरो निकालेंगे तो क्या मिलेगा एक्स जीरो मिल जाएगा, इसमें टी इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे तो सी कॉस माइनस फाइव, कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा के बराबर होता है तो ये सी कॉस फाइव ही हो जाएगा एक्स जीरो। तो ये इक्वेशन हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। और एक अब हम यहाँ से वी जीरो भी फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे ये वाली इक्वेशन में तो वी जीरो मिल जाएगा, वी जीरो कितना आ जाएगा माइनस सी ओमेगा साइन माइनस फाइव, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस सी ओमेगा माइनस साइन फाइव हो जाएगा। तो यहाँ से हमें वी जीरो मिल जाएगा सी ओमेगा साइन फाइव, ये वी जीरो आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ से हम सी साइन फाइव निकाल लेंगे, ओमेगा से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड को तो हमारे पास सी साइन फाइव की वैल्यू आ जाएगी वी जीरो बाय ओमेगा, ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब सी कॉस फाइव की वैल्यू एक्स जीरो है, सी साइन फाइव की वैल्यू वी जीरो है, इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा सी सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू वी जीरो बाय ओमेगा होल स्क्वायर प्लस एक्स जीरो स्क्वायर।
एक्स जीरो का स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, ये सी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, सी स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वी जीरो स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स जीरो स्क्वायर। तो अब अगर हम दोनों साइड अंडर रूट ले लें तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी, फाइनली सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ वी जीरो स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स जीरो स्क्वायर। अब हमें ये तो हमारी सी की वैल्यू हो गई, ये हमारी सी की वैल्यू हो गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें फाई की वैल्यू निकालनी है। फाई की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, फोर्थ इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा सी साइन फाई बाय सी कॉस फाई इक्वल्स सी साइन फाई की वैल्यू यहां से वी नॉट बाय ओमेगा और सी कॉस फाई की एक्स जीरो। तो ये आ जाएगा वी नॉट बाय ओमेगा, ये एक्स जीरो। तो अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये सी से सी कैंसिल, साइन फाई बाय कॉस फाई टेन फाई हो जाएगा, तो टेन फाई इक्वल्स टू वी जीरो बाय ओमेगा एक्स जीरो। तो दोनों साइड हम टेन इनवर्स ले लेंगे, टेन इनवर्स लेने पे क्या आएगा, फाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ वी जीरो बाय ओमेगा एक्स जीरो। तो ये हमारे पास फाई की वैल्यू भी आ गई, ये फाइनली फाई की वैल्यू आ गई, ये सी की वैल्यू है, ये फाई की वैल्यू है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आया था, वी जीरो स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर एक्स जीरो स्क्वायर। तो ये दोनों में है और हमारा टेन फाइव की वैल्यू क्या आ रही थी, ये आ रही थी, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर फोर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।